Welcome to E18 Telangana News. A man Mazharuddin seeking justice from the government as his sister and brother-in-law Noorullah Husseini made them homeless by allegedly attacking him with sharp weapon. And Langar House police not yet taken any kind of action against the accused and registered the FIR without imposing section 307, says the victim Bansar. E18 Telangana News Bureau. हथौड़ी से मार के पूरा कांच से वो करते बच्चों को बुला के साले धिंगाना करते भी बेकसूर की जो है आप दिल से बदवा ले रहे हैं एक ज़ईफ़ माँ बाप की और जो है जो बंदा अरे जिंदगी में कभी किसी को कुछ करा नहीं जो गाली देता था सुनकर खामोश पड़ा उसके बंदे पे आप जो है ऐसे मजलूम पे जो है आप अत्याचार कर रहे हैं भाई कहाँ का इंसाफ है भाई हमारे घर से हमको निकाल देंगे हमको बेघर कर दे हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी मदद करे और हमें पूरी तरह से इंसाफ दिलाए तो मैं FIR भी करा चुका हूँ लंगरोज PS में करा करके आज 13-14 दिन हो चुके हैं मैं दादा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी होकर आ गया लेकिन अभी तक लंगरोज PS वाले जो है अभी तक जो है कुछ एक्शन लिए नहीं उनको गिरफ्तार नहीं किए उनको रिमांड में नहीं लिए और वो लोग जो है मेरे ही घर में घुसकर बैठे हुए हैं मुझको मेरे वालदा वाले साहब को वहां से निकाल करके ये जो है ये जो है FIR काफी है जिसमें ये 14 तारीख को की गई है जिसमें सेक्शन 307 इंक्लूड नहीं किया गया इसमें जबकि जानलेवा हमला था मुझ पर वो गुंडों के साथ जो है 7-8 गुंडे थे वो लोग जो है सब मिलकर के मारे जो इनका बेटा जो है मुझे पीछे से मार रहा था उसके हाथ में हथौड़ी थी ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मेरा साली का बच्चा है वो पीछे मारने की वजह क्या थी।